नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडिया में सबसे सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ना तो हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ना तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, हर बार मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ, चार्ट की ब्यूटी को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। मैं याद दिला दूं, कुछ दिनों पहले मैंने IRCTC के बारे में बोला था। बहुत अच्छी तरह से उसने ब्रेकआउट दिया है, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। और बहुत ही अच्छी चैनल इसकी, जो लेवल बताया था उससे ऊपर कंटिन्यू। तो काफ़ी सारे लोगों के इसके ऊपर मैसेज आया था कि सर बहुत ही अच्छा होमवर्क करने को मिला, बहुत ही अच्छी सीख मिली। मैंने मैट्रिमोनी के स्टॉक के बारे में बताया था, ना तो उसने ऊपर का लेवल तोड़ा है, ना तो उसने नीचे का लेवल तोड़ा है। तो अभी रहने दो, जहाँ जहाँ पे ऊपर और नीचे का लेवल अगर नहीं तोड़ता जो मैंने बताया, उसको वॉच लिस्ट में रखो, स्टडी करो। ऐसा नहीं कि हमको कंपलसरी ट्रेड लेना ही है। अब हैप्पीएस्ट माइंड का मैंने यहाँ पे 1 आवर का चार्ट ले लिया है, हैप्पीएस्ट माइंड का। अब यहाँ पे एक चीज देखो क्या हो रहा है, जो करेक्शन आया था अभी रिसेंटली, उसके बाद मल्टीपल 1 आवर की कैंडल कंसोलिडेशन में चली गई और यहाँ पे बाइंग आके 1 आवर की कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे देखो 1484, 1481, 1483, तो 1485 के ऊपर ये टिक जाता है, स्टॉप चला जाता है और टिक जाता है, तो हम बाइंग कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग जा सकते हैं यहाँ से। और नीचे की तरफ देखो कि क्या हो रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पे 14 लास्ट जो हाई बना था वो था 1438, 1440। तो अगर ये इसको तोड़ देता है, नीचे से इसको तोड़ देता है इसको, तो मैं इसमें शॉर्ट करूंगा। ठीक है, 1440 का लेवल टिक नहीं पाता है तो उसको शॉर्ट करूंगा, और यहाँ पे 1485 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ देता है, टिक जाता है, तो मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा। ठीक है, लॉजिक के साथ मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में मैंने क्या बोला था कि बाय ऑन डिप्स का ही फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल वीकनेस दिख नहीं रही है। तो 1 आवर की कैंडल देखो, 15 मिनट का चार्ट देखो, नीचे आके निफ्टी ऊपर गया हुआ है। तो जो लोग अभी भी एग्रेसिवली शॉर्ट के बारे में सोच रहे हैं, पुट के बारे में सोच रहे हैं, शायद उनको वीक में एक दो दिन मजा आ जाएगा कि सर क्या सर प्रॉफिट तो बन ही रहा है, पर वो जब फंसेंगे तो पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा। जब तक मुझे स्ट्रक्चरल वीकनेस निफ्टी में नहीं दिखती है, मैं एग्रेसिवली शॉर्ट इसको नहीं करने वाला हूँ। मैं डायरेक्शन ट्रेडिंग में इसको खामखा पुट बाय नहीं करना वाला हूँ। मैं नेगेटिव ट्रेडिंग में नहीं जाने वाला हूँ। अभी भी देखिए यहाँ पे जो 17,250 का लेवल है, तो काफी सारी मल्टीपल कैंडल्स में यहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहा है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा हमको पता नहीं चलेगा। दूसरा यहाँ पे एक और लेवल है, जैसे कि भाई 17,200 वाला, फिर यहाँ पे एक और लेवल है कि भाई 17,000 वाला। ये सब लेवल टूटे नीचे की साइड, तब जाके हमारी पुट की बात हो सकती है, या तो उसके बाद में पुट या तो शॉर्टिंग करूंगा। और जो लास्ट हमारी चैनल वो अभी भी इंटेक्ट है, उसको अभी तोड़ नहीं पाए हैं, तो खामखा इसको शॉर्ट करना। विदाउट के वो मेजर अगर लेवल ब्रीच करता है तो ही मैं शॉर्ट करूँ, वही एक लॉजिक बनता है। बाकी कोई दिन मूवमेंट नहीं आती, करेक्शन आ जाता है, तो जाने दो, वो नहीं लेने हैं वो ट्रेड, कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज़ फॉलो करो आप लोग। फिर बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि लेवल के साथ ट्रेड करना। यहाँ पे देखो 36,200 और ये 36,150 की कितनी कैंडल्स है, अपने पहले भी बात हुई थी। 36,150, 36,200 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल यहाँ पे 1 आवर की कैंडल है, जब तक ये कैंडल को नहीं तोड़ता हम नेगेटिवली नहीं जा सकते। यहाँ पे ये यहाँ तक आया ही नहीं और उसके ऊपर सीधा वो रिकवर हो गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे काफी सारी कैंडल आती है कि जैसे कि 35,900 वाली कैंडल, और ये पूरा जो ये भी एक जो चैनल है ना, वो जब तक ये चैनल ना टूटे तब तक हम एग्रेसिवली शॉर्ट बैंक निफ्टी में भी नहीं जा सकते। कॉशन रखना होगा, ऊपर की तरफ इसको तोड़ना होगा सबसे पहले तो 36,850 का लेवल, क्योंकि मल्टीपल 1 आवर की कैंडल वहां पे स्टक हो गई है। इसको तोड़ेंगे तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, फिर यहाँ पे आ रहा है 37,100, इसको तोड़ेंगे तो मैं लॉन्ग की तरफ जाऊंगा। बस तो बैंक निफ्टी निफ्टी में कॉशन रखो, लेवल लेवल के ऊपर ट्रेड करो, ना कि गट फीलिंग के ऊपर ट्रेड करो। चार्ट में सब कुछ बता ही रहा है और चार्ट के हिसाब से ही हमें जाना चाहिए, इसी तरह से हम अपना काम करना चाहिए, अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर टेक्निकल क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। स्टॉक मार्केट में विदाउट शॉर्टकट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए अच्छी तरह से, जेन्यून तरीके से, तो पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ जाओ।
उसकी वेबसाइट में चले जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो। 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज मैंने फ्री रखे हैं, बाकी स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक कोर्सेज, ऑप्शन इंट्राडे, ऑप्शनल पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो, तभी आपके डाउट रिजोल्व होंगे, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ये सीरीज को भी कंटिन्यू करते रहना, लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, इनपुट्स देते रहना और क्वेश्चन भी पूछते रहना। कहीं पे आपको लगता है कि कोई चार्ट में ब्रेकआउट आने वाला है तो मुझे उसका भी सजेशन कमेंट में देते रहना, मैं देखता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे दिन, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।